हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल KBC स्पार्क इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे IPL से ऑडिशन कॉल के लिए बनने वाले संभावित क्वेश्चन, क्योंकि आज 13 मई हो गई है और इसके बाद 20 मई तक ऑडिशन के लिए कॉल आनी है। तो IPL से ऑडिशन कॉल में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो भी संभावित क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये IPL 2019 फाइनल खेला गया है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच। तो विजेता टीम रही है मुंबई इंडियंस, इसके कप्तान रोहित शर्मा और कोच महेला जयवर्धने। उप विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच स्टीफन फ्लेमिंग। ये चीज़ तो आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, IPL 2019 का फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था, स्टेडियम का क्या नाम है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। इसके ग्राउंड एम्पायर कौन थे फाइनल में, नितिन मेनन और इयान गोल्ड। नितिन मेनन भारत के हैं और इयान गोल्ड इंग्लैंड के हैं। थर्ड एम्पायर कौन थे, नाइगल लॉन्ग, ये इंग्लैंड के थे। रेफरी कौन थे, जबागल श्रीनाथ। और फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है IPL में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन को कौन सी कैप दी जाती है, ब्लू कैप, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ग्रीन कैप। तो इसका सही आंसर है ऑरेंज कैप। और जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है IPL में उसको दी जाती है पर्पल कैप। तो 2019 में ये किसको मिली है, 2019 में ऑरेंज कैप मिली है डेविड वार्नर को, जो सनराइजर हैदराबाद के कप्तान थे। और पर्पल कैप मिली है इमरान ताहिर को, जिन्होंने 26 विकेट लिए थे और ये चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी थे। डेविड वार्नर ने 692 रन बनाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अब IPL 2019 में जो खिताब दिए गए थे वो देख लेते हैं। इमर्जिंग प्लेयर का खिताब मिला है शुभमन गिल को, ये KKR की टीम में थे। और फास्टेस्ट 50 यानी सबसे तेज अर्धशतक लगाने का खिताब जीता था हार्दिक पांड्या ने, ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन ये मिला है किरण पोलार्ड को। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है आंद्रे रसेल को। स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब मिला है KL राहुल को। नेक्स्ट देखते हैं, नियरेस्ट क्वेश्चन, IPL की किसी एक टीम द्वारा IPL का खिताब सर्वाधिक कितनी बार जीता गया है। तो इसका सही आंसर है चार बार मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है और सर्वाधिक बार जीता है। चेन्नई सुपर किंग ने 3 बार जीता है IPL का खिताब। नेक्स्ट, 2019 का IPL सीजन IPL का कौन सा संस्करण था, तो इसका सही आंसर है 12वां। नेक्स्ट, IPL का पहला सीजन कब खेला गया था, तो इसका सही आंसर है 2008। IPL 2019 में कुल कितने मैच खेले गए, तो इसका सही आंसर है 60 मैच खेले गए। हर IPL सीजन में 8 मैच ही खेले जाते हैं, लेकिन ये अगर पूछ लिया जाए तो आपको 60 आंसर देना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, IPL में पदार्पण करने वाला यंगेस्ट प्लेयर कौन है, तो इसका नाम है प्रयास बर्मन। 16 वर्ष 157 दिन की एज में इन्होंने IPL में पदार्पण कर लिया और टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, RCB की तरफ से ये खेले हैं 2019 में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ऑडिशन कॉल में, नियरेस्ट कॉल में, KBC में या किसी भी GK के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।